हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम सेवन चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन की ही नेक्स्ट क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें बच्चों मैंने आपको 7.1 के लिए कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए और उम्मीद करता हूँ आपने किए भी होंगे, और आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ जो आपको मैंने करने के लिए दिए थे। तो आज चेक कीजिए कि आप लोगों का कौन कौन सा आंसर सही रहा और कौन सा गलत रहा। आइए, चलिए बच्चों, एक मिनट बच्चों, बस एनसीईआरटी बुक खुल रही है। ठीक है, चलिए हो गया शुरू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट कह रहा, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, एज्यूम दैट रिपीटेशन इज अलाउड और सेकंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हाँ भाई, द अरेंजमेंट ऑफ थ्री डिजिट नंबर। प्यारे बच्चों, हमें थ्री डिजिट का नंबर बनाना है, अरेंजमेंट करनी है। फर्स्ट केस में आपसे कहा जा रहा है, हाँ, नंबर बाय द गिवन नंबर्स, बाय द गिवन नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड एंड 5, इनसे। ठीक है जी, चलिए। पहला, रिपीटिशन इज अलाउड। बच्चों रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन अलाउ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर रिपीटिशन अलाउ है तो क्या होगा बच्चों, हम क्या करेंगे? तो इन पांचों में से कोई सी भी डिजिट यहां पे भी रख सकते हैं, यहां पे भी रख सकते हैं, यहां पे भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पांचों में से कोई भी एक रिपीटेशन अलाउड है, फिर से पांचों में से कोई भी एक, फिर से पांचों में से कोई भी एक। मतलब अगर यहां पे 1 रखता हूं तो यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं। अगर यहां पे 2 रख सकता हूं तो 2 भी, 2 भी 2, 3 है तो 3, 3, 3, 4 है तो 4, 4, 4, 5 है तो 5, 5, 5, और अलग भी रख सकते हैं और एक जैसे भी रख सकते हैं। तो यानी टोटल 125 तरह के नंबर बनेंगे। सेकेंड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। और अगर रिपीटेशन बच्चों नहीं है अलाउड तो होगा क्या? यहां पे नंबर आएंगे 5 में से कोई एक, अब रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं, तो बचा कितना? 4, 4 में से कोई एक, बचे कितने? 3, 3 में से कोई एक। तो 5 चौक 20 या 60, 60 ऐसे नंबर बनेंगे जो रिपीटेशन नॉट अलाउड में रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ थ्री डिजिट इवन नंबर बाय द गिवन नंबर्स। हाँ जी, नंबर्स क्या दिया है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको तीन डिजिट का ये बनाना है और ऊपर से बोल दिया है डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकते हैं, डिजिट रिपीट हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इवन नंबर बनाने के शर्त होता है क्या कि अगर आप तीन डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो इसके वंस प्लेस पे, इसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक डिजिट होनी चाहिए, बाकी आगे दोनों कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो अब ये बताइए, यहां पे इवन नंबर आपको गिवन क्या क्या है? 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 ये आपको गिवन है, तो मतलब इसका वंस प्लेस कौन होता है? ये इस वंस प्लेस में 2, 4 और 6 में से कोई एक रखोगे तो कितने इवन नंबर है हमारे पास? 3। तो यानी इन तीनों इवन नंबर में से कोई एक ही रखोगे, और उसके बाद है डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो इन इसमें 6 में से कोई सा भी रख सकते हो और इसमें भी 6 में से
कोई भी रख सकते हो, कोई सभी रख सकते हो। तो आंसर क्या आया, 6 6 36 और 3 जा 108। कितने? तो यानी आप बच्चों इन 6 नंबरों से 3 डिजिट का इवन नंबर, कितने इवन नंबर बना सकते हो, 108 इवन नंबर बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। हाँ भाई, द अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर कोड बाय इंग्लिश अल्फाबेट बाय फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ जी, सो द फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ जी, फर्स्ट इंग्लिश अल्फाबेट कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये आपके पहले 10 इंग्लिश अल्फाबेट है। और जो आपको कोड बनाना है बच्चों, वो 4 लेटर का कोड बनाना है। कितने लेटर का? 4 लेटर का, और रिपीट नहीं होना चाहिए। तो भाई एक बार बताओ, पहले में क्या होगा, 10 में से कोई एक लेटर होगा, ठीक है। अब बचे कितने, 9, क्यों, क्योंकि रिपीट है नहीं, तो 9 में से कोई एक लेटर, इसमें 8 में से कोई एक लेटर, इसमें 7 में से कोई एक लेटर, तो कितना हो जाएगा, 90 × 56, और आंसर आ गया आपका 0 9 6 54 का 4 रह गया 5 और 45 50। तो यानी कितना आ गया बच्चों, 5040 तरह के लेटर कोड बन सकते हैं। कितने तरह के? 5040 तरह के लेटर कोड बन सकते हैं। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बताता हूं। फोर्थ हमने कर लिया है, फिफ्थ और सिक्स्थ बता देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, वो सॉरी 4 हो गया था, 5 बताता हूं। तो बच्चों 5 वाला तो यार आप प्रोबेबिलिटी में करते आए हो, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं, ठीक है। 5 है, अ कॉइन टॉस 3 टाइम्स। अरे भाई ये तो सिंपल सा है, फोर्थ, ये तो एक नंबर का है। एक कॉइन के कितने पहलू होते हैं बच्चों, हेड और टेल, खुद ही देखो ना, इसने बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स And the outcomes are recorded. यार, हाँ जी, and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? तो बस भाई एक कॉइन है, एक कॉइन के कितने आउटकम्स हो सकते हैं? भाई दो ही हो सकते हैं, हेड और टेल। और बताओ इसको उछाला कितनी बार है? नंबर ऑफ टॉस कितने भाई? 3। नंबर ऑफ टॉस कितने? 3। एक कॉइन को 3 बार, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। हाँ जी, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि भाई जितने केस है, भाई एक सिक्के के कितने केस है? 2 केस हैं, और उनको उछाला कितनी बार है? 3 बार, वो उसकी पावर। तो यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। तो यानी हम अगर एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कितने केस बनेंगे बच्चों? 8 केस बनेंगे, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फटाफट खत्म करें फिर। इसका क्वेश्चन नंबर 6 आपने कर लिया होगा। अब मैं सीधा आ जाता हूं 7.2 पर। किस पर आ जाता हूं? 7.2 पर, ठीक है। ये मैं डाली, ये नोट कर लिया होगा आपने, 7.2 पे आ रहा हूं। अभी 2 मिनट में खत्म करवा दूंगा 7.2, फिर सीधा 7.3 पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है।
हाँ जी, अब पढ़ने जा रहे हैं हम फैक्टोरियल। इसका सिंबल होता है ये, या ऐसे कर दो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे बच्चों अगर मैं लिखता हूं 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल, कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके बुक में ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सॉरी बच्चों, एक ये ब्लर का प्रॉब्लम आया है अभी, ठीक है, सॉरी दोबारा बता देता हूं। ठीक, जैसे 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब तो नहीं आ रहा ब्लर, अब तो नहीं हो रहा, अब तो सही होगा। 5 फैक्टोरियल, ठीक है, यहां पे 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्या कहता है फैक्टोरियल? तो बच्चों फैक्टोरियल आपसे कहता है कि जब हम लोग किसी भी डिजिट को तब तक ओपन करते रहे जब तक उसके लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, जब तक उसके लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, तब तक इसको ओपन करते रहो। तो आओ करते हैं बच्चों, 5 फैक्टोरियल को ओपन करो तो क्या बनेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, इंटू वन। फिर इनको मल्टीपल भी करना पड़ेगा, 5 × 4 = 20, 3 × 60 = 120, इस तरीके से। लेकिन अब चलो 5 फैक्टोरियल के तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आ गया 8 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं। तो क्या है भाई, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, इस तरीके से जो भी हो लिख देना, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि लिखना पड़े, ठीक है। अब भाई अगर मान लो ये आ गया 100 फैक्टोरियल, तो आप तो क्या होगा, 100, 99, 98, 97, ……1, तो यानी तब तक ओपन करते रहो जब तक भाई मल्टीपल में लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, उसी को कहा जाता है क्या बच्चों, फैक्टोरियल। क्या कहा जाता है, फैक्टोरियल, ठीक है जी। चलो अब जरा इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं बताता हूं। हाँ अच्छा, एक बात और देख लेना, ये तो चलो डिजिट की बात हो गई, मान लो तुम्हें n फैक्टोरियल दे दिया, फिर क्या करोगे? तो आप नोटिस कर रहे होगे कि जैसे ये फैक्टोरियल ओपन कर रहे हो तो बार बार एक कम हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो बस ये भी क्या बनेगा, n − 1, n − 2, n − 3, n − 4, और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जब लास्ट में क्या आ जाएगा, 1, और 1 लास्ट में आएगा ही आएगा अगर आप फैक्टोरियल को ओपन कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे, चलिए अगला क्वेश्चन। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। चलो बच्चों देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है आपसे, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कि भाई 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, तो हो जाएगा। सेकंड पार्ट, 4 फैक्टोरियल −3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो। तो बच्चों कभी भी 4 फैक्टोरियल −3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 4 फैक्टोरियल −3 फैक्टोरियल निकालना है अगर, तो कैसे निकालोगे? तो पहले 4 को खोलो, 4 × 3 × 2 × 1, फिर 3 फैक्टोरियल को खोलो, 3 × 2 × 1, तो 4 × 3 = 12, 2 = 24, और 3 × 2 = 6, ये कितना आ गया, 18। तो देखो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे, कि क्या 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल क्या 7 फैक्टोरियल के बराबर होगा? तो चलो चेक करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 = 1, 4 × 3 = 2 = 1, 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, 24, और ये कितना आ गया, 30।
ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड, सेवन फैक्टोरियल, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। हाँ भाई, 5 5 चौके 20 या 60 दूनी 120, 120 सिक्के, 720, और 720 सत्ते, 7 0 7 दूनी 14, और ये 50। ठीक है, तो बच्चों कितना आ गया, 5040। तो देखो, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को ऐड करके 30 आया, जबकि अकेला 7 फैक्टोरियल कितना आया, 5040। तो इसका मतलब हम क्या जानते हैं भाई, कि 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का सम कभी भी 7 फैक्टोरियल के बराबर नहीं आएगा, 7 फैक्टोरियल के बराबर नहीं आएगा। ये बात हम लोगों ने सीख ली, ठीक है। चलिए अब आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है कि भाई कंप्यूट करो इसे, 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, कह रहा है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कीजिए। तो बहुत सिंपल है भाई, 8 फैक्टोरियल और नीचे ऊपर है सबसे बड़ा नंबर 8 फैक्टोरियल, और नीचे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 फैक्टोरियल। तो 8 को 6 तक पहुंचाओ, कैसे, 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल, यही रोक दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, यहां रोक दूं। अगर मान लो मेरे पास भाई 10 फैक्टोरियल है, अगर मैं इसे लिख दूं 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल, तो क्या कोई 8 फैक्टोरियल खुलेगा, तब भी तो क्या आएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे ही तो खुलेगा। तो बस इस 8 वाले को मैंने 8 7 और 6 फैक्टोरियल तक खोल दिया। क्यों खोल दिया, क्योंकि 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, भैया 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, तो बचा क्या, 8 इंटू 7 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या होता बच्चों, 2 फैक्टोरियल होता 2 इंटू में 1, 2 से 8 को काटेंगे 4, और ये 7 4 जा 28। इस तरीके से बच्चों हम लोगों को ये मिल गया है, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट क्लास में 7.3 कराऊंगा, फिर प्रॉपर तरीके से चलेगा ये, परमुटेशन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर आज, और आपका होमवर्क है बच्चों कि इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे आपको करके लेकर आने हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, उसके बाद खत्म ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन में 8 फैक्टोरियल, ये पहले से दिया कह रहा है, तो कह रहा फाइंड x, फाइंड x, खत्म कहानी करो भाई। देखो सबसे बड़ा नंबर है 8 और सबसे नंबर है छोटा 6, तो एक काम करो सबसे छोटे तक पहुंचाओ। क्या मैं 7 को, 7 फैक्टोरियल को 7 गुना 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, जी बिल्कुल। क्या मैं 8 को 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, जी बिल्कुल। अब ये देखो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, 1, इन दोनों में नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, 6 फैक्टोरियल, अंदर क्या बचा, इस पूरे का कॉमन निकल गया 1, इस पूरे में से 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया 1 अपॉन 7, ठीक है। x 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, भाई 6 फैक्टोरियल यहां डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और इसको भी सॉल्व करेंगे, 7 को 1 से, 1 को 1 से अपॉन में 7, 6 फैक्टोरियल यहां डिवाइड कर रहा है, यहां आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, भैया 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, ठीक। 7 और 1 कितना होगा, 8 बटा 7 बराबर 8 गुने में 7 फैक्टोर, 7 से 7 कट गया, 8 यहां डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 8, तो कितना आ गया बच्चों, 64। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 64। तो इस तरीके से बच्चों आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए और लास्ट इसका पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट का पांचवा क्वेश्चन है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल दिया हुआ है,
और कह रहा है वैल्यू निकालो अगर n की वैल्यू 6 r की वैल्यू 2 हो, और सेकंड कह रहा है n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 5 हो। तो चलो हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। हाँ जी, n क्या है 6 फैक्टोरियल, r क्या है, n कितना है 6, r कितना है 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट गया, अब आ गया 6 पंजे 30, ठीक है। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा मैं, अगर आप 3 ये, अगर आप ये याद रखना 7 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल है तो आप उसे 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, लेकिन अगर 7 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल है तो आप उसे 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हो। ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल है तब तो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर सबका फैक्टोरियल अलग अलग है तब आप ऐसे बराबर नहीं लिख सकते हो। बच्चों इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि फैक्टोरियल में यही एक ऐसा पॉइंट है जो कभी कभी दिक्कत करा देता है, ठीक है। तो अब हमारा फैक्टोरियल का टॉपिक पूरी तरीके से हो गया है खत्म। नेक्स्ट क्लास में 7.3 शुरू कराऊंगा और ऑलमोस्ट उसको खत्म भी करा दूंगा, जिस टॉपिक का नाम है परमुटेशन। टॉपिक का नाम क्या है? परमुटेशन। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यही खत्म, इसको नोट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।